तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम हमारी जो नई सीरीज है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से, आप एस्पायरेंट हो तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे पूछते हो, और मैंने आगे का आंसर दिया हो या ना दिया हो, मैं अपने आंसर्स देने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरे ऑनेस्ट आंसर्स रहेंगे और ये मेरे ओपिनियंस रहेंगे, तो आपके पास डिसएग्रीमेंट का पूरा मौका है। ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, बट होपफुली आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट तीन तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने तीन सवाल को हैंडल ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर फोर बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फोर होता है जो कई बार हमें फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉन्फिडेंस ऑफ अ फैमिली। ठीक है, फैमिली का जो इश्यू है, फैमिली वाले कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं करते या फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, फैमिली कॉन्फिडेंस या सपोर्ट का एक इश्यू रहता है, तो वो कैसे करें, हाउ टू डू इट। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, समझिए मैं चीजों को थोड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा इलाबरेट करता हूँ ताकि आप खुद को कनेक्ट कर पाओ कि होता क्या है। देखिए, ये आपका भीमबेटका वाला कैरेक्टर है। ठीक है, हम स्टोरी के लिए ये कैरेक्टर को फीमेल बनाते हैं। अभी अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, समझिए, अगर आप फीमेल हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपके लिए मुसीबतें या चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। पहले तो एक आता है कि लड़की की एज के ऊपर से होता है, एक तो होता है कि लड़की के लिए मैरिज के लिए थोड़ा सा प्रेशर होता है, कई बार लड़की पे अर्निंग का प्रेशर भी होता है, कई बार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कि सोसाइटी में आपने लड़की को इतने पढ़ने दिया, वो होता है, कई बार पेट्रियार्की इतनी हैवी होती है, ठीक है, कि वो पढ़ ही नहीं पाती या लोग समझना ही नहीं चाहते, समाज क्या कहेंगे। ठीक है, दिस इज सोसाइटी, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पीयर प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, आप मैरिड हो और या दूसरा कोई स्टेटस है, तो ये सभी चीजों, मैरिज करना बाकी है तो अलग चैलेंजेस है, अगर मैरिड हो गए हैं तो अलग ही चैलेंजेस है। ठीक है, तो एक चीज तो समझिए कि ये सवाल लड़कियों के लिए है, पर लड़कों के लिए भी होता है, मतलब उसके लिए कमाने का प्रेशर होता है, उसको पूछते कि ओ आपका लड़का क्या कर रहा है, अरे अब तक पढ़ना नहीं, अब तक कमाना चालू नहीं किया, मेरा बेटा तो इतना कमाता है, और हमारे पेरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज होती है कि, और दूसरी एक चीज आप समझिए कि अनलेस यू हैव द सपोर्टिव फैमिली, राइट, यू विल हैव मच मोर ट्रबल। ठीक है, तो आपके लिए प्रिपरेशन की जर्नी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, वो जर्नी लॉन्ग है, वो जर्नी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, और अगर आप फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो लाइफ में कार्डियोग्राम जैसे खतरनाक मोड लेता है, आपके लिए भी वो लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी चीजें करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आई बिलीव ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें आप करोगे तो आई थिंक यू विल गिव योर सॉल्यूशन। चलिए, कैसे मैं ये समझाता हूँ, चलिए मैं पहले बताऊँ कि आपको ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है और कम्युनिकेट करना है। ऑनेस्ट मतलब आपके पास जेन्युइन रीजंस होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन क्यों करनी है, यू शुड नो योर वाई। ठीक है, आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि मैं क्यों ये एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहली बात होगी, तो आप ऑनेस्ट रहिए दूसरों के प्रति, बाद में एटलीस्ट सेल्फ, तो इसको मैं अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑनेस्टी एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, पहला तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, ट्रांसपेरेंटली मतलब आप जो कर रहे हो ना, वो फैमिली को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मतलब डिस्क्लोजर होना चाहिए, और आप उसको हो सके उतना इजी वे में कम्युनिकेट करिए, उनको एक्सप्लेन करिए कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उसको पर्पस समझाइए, उसको बेनिफिट समझाइए फैमिली में, मतलब उसको मैं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, अगर आपके इन-लॉज है, अगर आप शादीशुदा हो तो, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो अपने स्पाउस को समझाइए, अपने पेरेंट्स को समझाइए। ठीक है, और कई बार आपको डिफिकल्ट स्टेप लेने पड़ेंगे, राइट, इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ डिसीजंस, राइट, जहाँ पे मुझे प्रोफेसर की जॉब छोड़ के मुझे डिसाइड करना था कि मुझे जॉब चेंज करनी है या नहीं, या जर्नी को कंटिन्यू रखना है या नहीं, कब तक मैं पढ़ूंगा, राइट। मेरे केस में तो उल्टा था, पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बट वो थक गए थे कि कहाँ तक तू प्रिपेयर करेगा,
मतलब एक लिमिट के बाद तो छोड़ देना चाहिए ना। तू छोड़ क्यों नहीं देता, बहुत हो गया, अभी और कितना परेशान होगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो चीजें सिंपल है कि ये तीन चीजें आपको करनी चाहिए अगर फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो। और फिर भी अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर दी तो आई कैन सी देयर आर ओनली टू वेज, आइदर यू कैन गो फॉर फाइट और फ्लाइट या गिव अप। ठीक है, आधे मोड पे फिर मत रहो, या फिर आप मैनेज करो। अगर मिडल वे बोलो तो मैं बोलूंगा मैनेज करो। ठीक है, तीन पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन फाइट, मतलब मुझे पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ना है, नहीं सपोर्ट कर रहा तो मैं आपके लिए नहीं सूटेबल। ये सोशल रिबेलियन टाइप का एटीट्यूड है, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस, एटलीस्ट विथ योर फैमिली। बट कई बार सिचुएशन अनअवॉइडेबल होती है तो यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, फ्लाइट या गिव अप, मतलब आप मानते हो कि अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप अपना सपना भूल जाओ और छोड़ दो, मतलब गिव अप एंड बी कमिटेड टू योर फैमिली, या फिर मैनेज करो। 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, काम कर रहे हो, कोई भी काम मल्टीटास्क करो, कुछ भी करके मैनेज करो। ठीक है, आई वुड से मैनेजिंग विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। गिविंग अप वो तो कायर वाली चीज है, वो तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। फाइटिंग वाली चीज है, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गया, वो भी काम का नहीं है। यू शुड फाइंड अ वे आउट, रास्ता ढूंढ लो। ठीक है, अगर आपको जो चीज करनी है तो करनी है, कैसे करनी है वो सोचो, रादर देन होगा या नहीं, करना ठीक है या नहीं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दिस फोर्थ क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली वाले नहीं मान रहे, प्रिपरेशन में इश्यूज हो रहा है, शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, तो आप देखिए कैसे मैनेज करना है और अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो हमारे लिए कई बार हमें फेस करना पड़ता है कि कई बार है ना रिजल्ट फेवर में नहीं आता तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और अदरवाइज हाउ टू स्टेबल मेंटल स्टेबिलिटी, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होती है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है, मतलब आपकी प्रिपरेशन चालू है और कई बार क्या हो जाता है कि आप स्टेबल नहीं हो पाते, बराबर। और दूसरा होता है कि मेंटल स्टेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ रिजल्ट एंड प्रिफरेबली और अनप्रिफरेबली नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, और जिसको बोलते हैं रिजेक्शन। ठीक है, तो चलिए दोनों तीनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी हमारी सबकी कई बार सवाल में आ जाती है, सवाल चिन्ह लग जाता है कि मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ू, कहाँ तक पढ़ू, थक गया, ठीक है, और मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी चीजें थोड़ी पढ़नी होती है। तो ये सभी टाइप की चीजें आपकी प्रिपरेशन के दरमियान आती है। बट आई वुड से इसको टैकल करना है तो कैसे करोगे, सिंपल यार, आई थिंक यू डोंट नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो आपको पता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, राइट। मतलब आप किसी और का बोरो ड्रीम जी रहे हो, जैसे आगे भी मैंने बताया था, अगर आपको प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये एंजाइटी होती है या क्या करूं क्यों करूं, मेंटली स्टेबल नहीं रह पाता, तो मैं वापस बोलूंगा कि चेक करिए आप ये एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बोला था और इसीलिए आप कर रहे हो, राइट, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई चांस है तो आई वुड से इट्स अ रिस्की प्रपोजिशन, रीचेक इट, अगर कोई जेन्युइन रीजन खुद का मिले तो ही कंटिन्यू करिए, बाकी आपके लिए शायद मैं बोलूंगा रेड फ्लैग है। ठीक है, तो मेंटल प्रेशर आप लेना ही नहीं है, और तरीका से, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका मेथड गलत है, पढ़ने का तरीका एंजॉयमेंट के साथ होता है, आप प्रेशर के साथ पढ़ रहे हो तो आप मेंटल प्रेशर खुद ही बना रहे हो और फिर खुद ही बोल रहे हो कि मेंटल प्रेशर आ गया, क्यों ले रहे हो, जो आपके हाथ में है वो करो ना, हाथ में क्या है, प्रिपरेशन नॉट रिजल्ट्स। सो वहां से आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, कई बार हम क्या होते हैं कि प्रिपरेशन करते करते हमने बहुत सालों दे दिए, बहुत अटेम्प्ट्स दे दिए, बहुत सारी मेंस लिख ली, और फिर बोलते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, हर बार आता है और बोलता है ये दरवाजा है बिल्डिंग का और ये लोग बोलते हैं गेट आउट। ठीक है, हर बार ये हमारे कैरेक्टर को दरवाजा, बाहर का खुला दरवाजा दिखा दिया जाता है और बोलता है जती रे जी, गुजराती में एक स्लैंग है जती रे जी। ठीक है,
तो वही तरीके से आपको जब हर बार रिजेक्शन मिलता है, आपको निकाल दिया जाता है, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, स्वाभाविक है। ठीक है, मैं बोलूंगा मेरे दिमाग में भी आया था जब 10th एडवर्टाइजमेंट थी आई गेस 2021 वाली, और वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई विल बी इन टॉप 10, और जब मुझे जीपीएससी वालों ने बोल दिया कि भाई नहीं चाहिए हमें तुम, तो आई वॉज वेरी सैड, डिप्रेस्ड और कंफ्यूज हो गया। बट हाउ डू दे मैनेज, ने बोला ठीक है यार, वो रिजेक्ट करना उनका काम है, वो उनका टास्क है, मतलब जीपीएससी यूपीएससी अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो करने दो, वो करेंगे, आपका काम है प्रिपेयर करना, आपके हाथ में वो है ही नहीं। ठीक है, आपने जितना हो सकता है बेस्ट पढ़ा, इंजॉय किया, सीखा, अगर आपने ढंग से सीखा है तो ऑलरेडी आप कुछ केपेबल बन गए हो, कहीं ना कहीं तो चल जाओगे आराम से, ऑलरेडी एबिलिटी है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो बहुत सिंपल फंडा है, अगर वो लोग रिजेक्ट कर रहे, उनकी चॉइस है, शायद उन्होंने गवा दिया एक अच्छा ऑफिसर, उनको जरूरत नहीं है, आप क्यों दुखी होते हो। ठीक है, सो मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है तो इट इज देयर लॉस। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी कैसा होता है कि कोई कहता है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ, तो वो भी उसका लॉस है, हमारा तो है नहीं। समझ रहे हो आप चीजों को? अगर कोई बोल भी रहा है कि मुझे साथ में नहीं रहना है, या मैं नहीं चाहता, या हमारा नहीं बन रहा, वो भी उसका लॉस है। ठीक है, तो वो चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? सेम चीज होती है प्रिपरेशन के साथ। अगर जीपीएससी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए तू, तो मैंने बोला ठीक है भाई, यूपीएससी ने तो मुझे बोल ही दिया कि मेरी एज लिमिट पूरी हो गई, तो यूपीएससी ने बोला जती रह जे, मैंने बोला ठीक है, नहीं आऊंगा तेरे द्वारा अभी, ठीक है बतला लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर या फिर गाना भी गाओगे आप ठुकरा के, मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वॉट एवर इट इज। ठीक है, समझ रहे हो? बट चीजें बहुत सिंपल है कि अगर आपको रिजेक्ट होना है तो ठीक है, वो अभी आपका टास्क नहीं है, उनका काम है, उनको करने दो, आपका काम है आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, कुछ एक रास्ता चुनो और फिर उस पर चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, सो डोंट वरी, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, रिजेक्शन आएंगे ही। ठीक है, मैं हर एक लेवल पे फेल हुआ हूँ, मेरी एक बार प्री भी नहीं निकली थी, दो बार तीन बार मेंस भी नहीं क्लियर हुई, एक बार इंटरव्यू में भी फेल गया, उसके बाद हर एक चीज करेक्ट हुई, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज एंड पोस्टिंग इन क्लास 1। तो ये जर्नी है, रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन आता है, तो एक्सेप्टेड। ठीक है, तो मतलब मेंटल स्टेबिलिटी रिजल्ट फेवर में ना आए तो कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, तो डन, बराबर है। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन हम आज ले लेते हैं ये सेशन में, और वो है कई बार फोकस ऑन मार्क्स, कि आपका राइटिंग तो अच्छा है, ठीक है आप मानते हो कि आपका राइटिंग अच्छा है, बट आप स्कोर नहीं कर पा रहे, आप मानते हो कि आप अच्छा लिखते हो, अच्छा पढ़ते हो, बट आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है ना, आप बहुत सी मेहनत करी, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आप फाइनली लिस्ट में नहीं आ रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बहुत कुछ ज्यादा चीजों का फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क एक छोटे से ओरिएंटेशन का है, समझ, एग्जाम है, एग्जाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, हर एक एग्जाम होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और मतलब फॉर एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन की भी कुछ डिमांड होती है, जैसे कि कुछ कीवर्ड है, जैसे कि कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा है, और फिर आप, हम तो हमें कई बार हम क्या करते हैं, हमें जो आता है हम वही लिखते हैं। ठीक है, हम किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा है कि शुड देयर बी अ रिफॉर्म्स इन दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपना अचीव अपना जो गोल्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो लेजिस्लेटिवली बैकअप नहीं है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई व्हाई नॉट, और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे तो पता है ये कब आया था, क्यों आया था, और मैं वही समझाऊंगा, भाई पूछा ये है कि वो फेल क्यों कर रहा है, और अगर उसका लीगल बैकअप नहीं है इसीलिए फेल कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, क्वेश्चन पूछना है एक कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो एमसीसी है और उसको लीगल बैकिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है, क्या ये चीजों को आपको लगता है कि ये सही है, और ये सही है तो उसका एनालिसिस करिए, पूछा ये है और आप लिख रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो
कई बार मैं बोलूंगा कि अपने आप को ठीक से ऑब्जर्व करिए। मैंने ये एटीट्यूड है ना हमेशा देखा है कि जब जब भी हमारे ये भीमबेटका वाला कैरेक्टर फेल होता है ना, ठीक है, जब भी हमारे ये भीमबेटका वाला जो कैरेक्टर है उस पर ये फेलियर वाला धब्बा लगता है ना, तो वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है और लोग ही चाहते हैं कि वो सिलेक्ट ना हो। ठीक है, समझ रहे हो आप चीजों को? उसे ऐसा लगने लगता है कि बस यार दुनिया में हर एक इंसान मेरा दुश्मन है और कोई मुझे सफल होता हुआ देख नहीं सकता, मैं इतना महान हूं और कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ू। ठीक है, ये चीजें हर एक के दिमाग में आती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बराबर। पर सच में मानिए, आपके अंदर कुछ फ्लॉ होगी तो आप फ्लॉज को ढूंढिए। फ्लॉ कैसे हो सकते हैं? मे बी आपका कंसेप्चुअल ही क्लियर नहीं है, या फिर आपके हैंड राइटिंग डॉक्टरों वाले हैं, ऐसे ऐसे लिखोगे तो कौन पढ़ेगा। ठीक है, या फिर देखिए कॉन्सेप्ट में एरर है, एक कौन हैंड राइटिंग में इश्यू है, या फिर आपका रिप्रेजेंटेशन इन एग्जाम, रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिसको आपको मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, सिंपलिस्टिक होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, या फिर आपका जो फ्लॉ है, आपका फेल होने का जो रीजन है, वो है कि ये है हमारी चाय की प्याली, ठीक है, और ये है हमारा एग्जामिनर, और ये है उसकी धर्म पत्नी जी, या अगर मैडम है तो हस्बैंड जी, ठीक है, और सुबह सुबह उनके साथ हो गई मारामारी झगड़ा, और फिर आपका हाथ में आया पेपर, या फिर चाय नहीं पी थी और हाथ में आया आपका पेपर, तो ये तो फिर नसीब की बात है, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो ठीक है, जाने दो। ठीक है, बट आई वुड से कि फेल हो जाओ तो थोड़ा सा एनालाइज करो, ओवर एनालाइज नहीं बट एनालाइज करो, अगर फिर भी लगे कि मैंने सब ठीक किया था, मेरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे, हैंडराइटिंग भी रीडेबल है, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन है या फ्लो है नीट क्लीन है, अच्छा लिखा हुआ है, पर ये फैक्टर मेरे अगेंस्ट चला गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, होगा, होता होता है, कई बार शायद नेक्स्ट अच्छा होगा। हार्ट मत गवाइए, कंटिन्यू करिए, पकड़े रहिए, शायद कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे एक छोटे से वीडियो में एड्रेस करते हैं, और होपफुली आपका अगर ये कोई तीनों में से सवाल है तो आप ये सेशन को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। ठीक है, और जो क्योंकि तो ये एक एंगल है, ये एक पर्सपेक्टिव है, और ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स, एंगल, पर्सपेक्टिव्स मेरी चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप जाइए और इसी कॉन्सेप्ट्स पे जस्ट सर्च करिए, उसके आजू बाजू के वीडियोस आपको मिलेंगे, 350 के आजू बाजू वीडियोस है, तो वो चीजें आपको और सपोर्ट करेगी। चलिए, तो इसके साथ हम वापस ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आपके ऐसे बहुत सारे सवाल है, मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है, तो धीरे धीरे करके मेरे एंगल से मैं इसे समझाता जाऊंगा। चलिए, ठीक है, हंसते रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।